मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी गांधीनगर की रहने वाली पूजा देवी शनिवार से घर से गायब है। एक दिन गुजर जाने के बाद भी महिला का कोई अता पता नहीं लग पाया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि बनियाडी की गांधीनगर मोहल्ले की रहने वाली राजेश सूरी की पत्नी पूजा देवी कुछ काम बताकर घर से निकली, लेकिन काफी रात हो जाने पर भी जब वह घर वापस नहीं लौटी तो राजेश सूरी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया। रविवार सुबह में गिरिडीह एसपी को भी फोन पर मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन करने नहीं पहुंची। बताया गया कि राजेश सूरी गिरिडीह में मातारा एम्बुलेंस में ड्राइवर का काम करते हैं। इन्होंने बताया कि परसों शाम में इनकी सास और सरहज इनके घर आई थी। सास की तबीयत खराब थी, जिनको रोटरी अस्पताल में दिखाकर इन्होंने सास को बनियाडीह में छोड़ दिया और खाना खाकर ड्यूटी में सदर अस्पताल चले गए। उसके बाद लगभग इनकी सास और साला सदर अस्पताल जाकर इनको सूचना दिए कि पूजा देवी कोई काम बताकर दिन के 12 बजे घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी है। इन लोगों के द्वारा काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर थाने में आवेदन दिया गया। इन्होंने यह भी बताया कि रात में एक अनजान नंबर से राजेश तुरी की चाची सास के नंबर पर एक फोन आया था और उधर से एक महिला की आवाज सिर्फ हेलो हेलो सुनाई दिया और फोन कट गया। उस नंबर की जानकारी भी थाने में दी गई है। सुबह में भी वह अनजान नंबर ऑन था। पूजा देवी के पिता ग्रीन चंद तुरी मुफस्सिल थाना में ही चौकीदार का काम करते हैं, लेकिन पुलिस के ऐसे रवैये से न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कितना बजे आवेदन दिए हैं थाना में? थाना में दिए आवेदन वही मतलब 11 बजे। तो कोई पहले से कुछ विवाद वगैरह चल रहा था? ऐसा कोई हम लोग में पति पत्नी कभी ऐसा तो तुम्हें में नहीं हुआ। और किसी से अगल बगल या कहीं कोई कुछ? किसी से नहीं, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। और बात उत हुआ है फोन मतलब जाने के बाद? एक बार भी कॉल में बात नहीं हुआ, सिर्फ रात में एक बार कॉल आया है रात में। किसका कॉल आया था? मेरी पत्नी का आया था, एक बार बोली फिर दोबारा उसका फोन नहीं लगने लगा। सोचो बता, पत्नी का नंबर से आया था फोन? नहीं, नया नंबर से आया था। क्या बोल रहे थे? हेलो, बस इतने ही बोले। उसके बाद दोबारा फोन तो उसका ऑन नहीं हो रहा था, ऑफ हो गया। तो थाना में सूचना देने के बाद अभी थाना से कोई पहुंचे नहीं है? कोई अभी थाना से नहीं आया है, और परेशान है। दो बार जा चुके हैं थाना। तो और कोई बड़ी पदाधिकारी से नहीं बात की है? नहीं, एसपी को कॉल किए थे तो एसपी बोला कि ठीक है, हम थाना अधिकारी को फोन करके हम आपको कॉल करते हैं, बताते हैं सूचना लेकर के। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरी पत्नी जहाँ भी हो जल्द से जल्द हमको मिल जाए। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा हमको देख के बहुत रोता है, बार बार खोजती है कि मेरे मम्मी का मेरा मम्मी को बुला दो।